देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रुद्र भैया पीछे हटी, हम लेके जाएगी। हम कहा था कि हमारे रास्ता से पीछे हट जाए, नहीं तो आज हम अपना आपा खो दे। कहाँ जा रही है? बोले ना रुद्र भैया, हमारा हाथ छोड़ी। रुद्र भैया छोड़ी। रुद्र भैया, हम आपसे विनती कर रहे थे, प्लीज हमारा रास्ता छोड़ दी। अमरा के माधव बाबू के लेकिन तुरंत अस्पताल जाएंगे। भैया देखिए ना, माधव बाबू की हालत ठीक नहीं की, इनका नब्ज बहुत ही कम चला था। हम तुरंत अस्पताल जाएंगे, बड़ी हम आपसे विनती कर रहे थे, हम हमारा रास्ता छोड़ दी। कोई नहीं जा सकता यहाँ, कोई नहीं जा सकता यहाँ। हम आपसे विनती कर रहे थे कि आज हमारा रास्ता छोड़ दी। दादा हम केहू के बिना छोड़ा, हम कह देते हमारा रास्ता छोड़ी, हम केहू के बिना छोड़ा। इंसान मरता है लेकिन शैतान कभी नहीं मरता। नहीं जा सकती हो अब तुम यहां से। रुद्र भैया हमारे सफर की इम्तिहान मत ली, हमारा रास्ता छोड़ दे, हटी। रुद्र भैया पीछे हटी, हम लेके जाएगी। हम कहा था कि हमारे रास्ता से पीछे हट जाए, नहीं तो आज हम अपना आपा खो दे। कहाँ जा रही हो? बोले ना कितनी भी कोशिश कर ले यहाँ से नहीं जा पाओगी। रुद्र भैया हमारा हाथ छोड़ी। रुद्र भैया छोड़ी। भाभी हमको भी। हाँ हाँ तुम्हें भी दे रही हूँ। बाबा बस बस काजल बेटा। जी बाबूजी। माधव और चंदा तो बोध गया है लेकिन ये नीला और रुद्र कहाँ गए, दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाबूजी अम्मा जी रुद्र जी के साथ वैद्य जी के पास गई हैं। वैद्य जी के पास काहे? अम्मा जी के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए। लेकिन बेटा उनको गए हुए तो काफी समय हो गया है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। असल में वैद्य जी को अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा
और जब उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अगले दिन सुबह आ पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि अम्मा जी और रुद्र जी वहाँ रात में रुक जाए ताकि सुबह उनसे दवाई लेके वो लोग जल्दी घर के लिए आ सके। यहाँ से कल वापस दिन में जाते तो वहाँ मरीजों की बहुत भीड़ हो जाती, ऐसे में उनका नंबर आते आते बहुत वक्त लग जाता, इसलिए उन दोनों को वहाँ रुकना पड़ा। कमाल है, बिना कुछ बताए हुए नीला और दोनों चले गए। हाँ, हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है बाबूजी, कि वो दोनों माधव भैया और चंदा भाभी का निकलने का इंतजार कर रहे थे। अब तो हमको कोई कुछ बताता भी नहीं। देखिए ना, डाइनिंग टेबल भी कितना सुना सुना लग रहा है। हमको तो पहले से ही डाउट था कि माधव भैया और चंदा भाभी के निकलने के बाद ही दोनों रफू चक्कर हो गए। अब चारों लोग मिलके ना वहां पे मजाक कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। कहीं नीला और रुद्र फिर कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रहे हैं इन दोनों के लिए? इन दोनों माँ बेटा का ठिकाना नहीं है। इन दोनों के मन में क्या चलता रहता है कोई नहीं पकड़ सकता है। ईश्वर से अब यही प्रार्थना है कि दोनों सकुशल हों। किसका था? और किसका होगा, तो मेरे बाबूजी का। इंक्वायरी कर रहे होंगे कि हम कहां गए हैं। इनको भी ना चैने नहीं पड़ता है। तुम एक काम करो, गाड़ी तनिक साइड में लगा, हम बतिया लेते हैं इनसे। और हाँ, कोई अपने मुंह से आवाज नहीं निकालेगा। हाँ बोलिए। यही तो हम पूछ रहे हैं तुमसे कि अचानक निकल गई, कम से कम बता तो देती। वो हमरे घुटना में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया था, इसीलिए हमको निकलना पड़ा। हाँ हाँ, हमको मालूम हुआ, काजल ने हमको सब बता दी। तुम अभी बलिया में वैद्य जी के पास हो ना? आओ, कहाँ जाएंगे। ठीक है मैडम, उधर बोध गया जंक्शन के पहले एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, रास्ता ब्लॉक हो गया है, आप लोग को दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। ओजी यार रुद्र, अब हम लोग के पास एकदम में टाइम नहीं, जल्दी गाड़ी चलाओ। हाँ माँ। बोध गया? कहाँ बलिया, कहाँ बोध गया? और माधव और चंदा भी तो बोध गया ही गए।
अम्मा जी, रुद्र भैया, माता बाबू, माता बाबू, अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो कहा है कि सास को देखते के साथ अच्छी दुल्हन की तरह जाग गई। अम्मा जी, हमरा के खोल दी ना, हमरा माता बाबू की जाए दी। अम्मा जी खोल दे, खोल दे, ठीक है खोल देते हैं, लेकिन उसका कीमत चुकाना पड़ेगा तुमको। उका है कि ये पेपर पर तुमको साइन करना पड़ेगा, करोगी ना? अम्मा जी, आप जान भी पेपर पे कब हम सब पे साइन करते, बस हमरा के माता बाबू की यहां से ले जाए थी, हमारे माता बाबू के छोड़ दी, अब जॉन काम नाम सब करो हमरा के छोड़ दे।
ये लीजिए हमारी प्यारी भाभी, इस पर जितना जल्दी हो सके अपना दस्तखत कर दीजिए। हम दस्तखत कर देते, अब उकरा बात माधव बाबू के छोड़ते हैं ना, पक्का बोली ना, हम कर देते।